पेश है भारत बॉन्ड ETF एडलवाइस म्यूचुअल फंड की ओर से। अब आप सिर्फ 1001 रुपए के साथ भी AAA रेटेड पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त मिस्टर बॉन्ड वेलकमिंग यू ऑल टू बॉन्ड विद मिस्टर बॉन्ड फॉर एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड। ये एक वन स्टॉप शॉप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है सब इन्वेस्टर्स की नीड के लिए। सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट क्या है। एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड AAA रेटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स में निवेश करती है। इसमें दो ऑप्शन है, 3 साल का एक ऑप्शन है और एक 10 साल का ऑप्शन भी है। जिनके पास डीमैट अकाउंट है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं, और जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर में एडलवाइज म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली इसमें निवेश कर सकते हैं। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर अश्विनी धवन, जो पिछले 3 दशक से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहे हैं। वेलकम अश्विनी। थैंक यू। आपका क्या क्वेश्चन है जो एडलवाइज भारत बॉन्ड फंड के ऊपर है? थैंक यू मिस्टर बॉन्ड। मैंने पहले भी डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया है, पर मेरा ये सवाल है कि एडलवाइज भारत बॉन्ड, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है और क्रेडिट रिस्क भी नहीं है, क्रेडिट रिस्क भी नहीं है, पर मेरा ये सवाल है कि ये जो 10 साल के प्रोडक्ट्स हैं इसमें इंटरेस्ट रेट्स का रिस्क और ये जो वॉलेटिलिटी होती है इसका जो कंफर्ट लेवल है मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो व्हाट शुड वी डू? श्योर, बहुत ही जायज क्वेश्चन है। ये सब दर्शकों के लिए जानने लायक है कि जब भी ये 10 साल जैसे लंबे प्रोडक्ट में आप निवेश करते हैं तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन रहेगी। ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट देयर इज अ रिवर्स कोरिलेशन। उसका मतलब है जो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगी तो रिटर्न्स आपकी नीचे जाएगी और वाइस वर्सा। जैसे इक्विटी में हम बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट करके लंबे समय तक रखोगे तो वॉलेटिलिटी थोड़ा इवन आउट हो जाती है, वैसे ही आप जो एडलवाइज भारत बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन आती है, आप उसको लंबे समय तक जो इन्वेस्ट करके रखेंगे या टिल मैच्योरिटी रखेंगे, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स ऑल्सो गेट इवन डाउन। ओके ओके। तो ये जो किसी भी स्टेज पे आके जो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाते हैं, तो इसमें इन्वेस्टर को होल्ड ऑन करना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट को या एग्जिट कर जाना चाहिए? अनदर वैलिड क्वेश्चन। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं और निवेश करते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाती है, नेचुरली आपका रिटर्न में काफ़ी अफेक्ट होता है। उस समय पे इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना है, उनको इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड ऑन करके जो मैच्योरिटी तक लेकर जाएंगे, इन दिस केस जो करंटली आप निवेश करते हैं तो 10 साल का है, तो आपका इंटरेस्ट रेट मूवमेंट गेट्स इवन आउट। सो दैट इज़ नंबर वन। और उस जंक्चर पे जब इंटरेस्ट रेट्स ऑल ऑफ अ सडन ऊपर जाती है, उस जंक्चर पे आपके पास एडिशनल पैसा है, उसमें जो आप निवेश करेंगे तो नेचुरली यू विल कैप्चर हायर यील्ड एट दैट टाइम। यस, करेक्ट। सो वो जो कैप्चर करने के बाद आप उसको होल्ड करेंगे मैच्योरिटी तक या रेजिडुअल मैच्योरिटी तक जो हम बोलते हैं, तो आपको ज़्यादा फायदा होएगा। इसको आपको फिक्स्ड टारगेट मैच्योरिटी प्लान की तरह ट्रीट करना है। सो देयर आर टू ऑप्शंस। और टू समराइज, आपके निवेश करने के बाद इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाता है तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा समय तक होल्ड करेंगे तो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन इवन आउट हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है कि उस समय आपके पास एडिशनल पैसा है, ये अपॉर्चुनिटी समझ के आपको ज़्यादा पैसा उस समय पे निवेश करना चाहिए और होल्ड इट फॉर दैट रेजिडुअल मैच्योरिटी, आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। हाँ, एक्चुअली इस तरह से मुझे कभी समझाया नहीं किसी ने। दैट्स वेरी वेल सेड, बहुत सिंपलीफाइड करके बताया आपने। थैंक यू वेरी मच इंडीड, दैट विल हेल्प मी। थैंक यू अश्विनी। सो इन्वेस्टर्स प्लीज समझिए, जब भी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन रहेगी इस प्रोडक्ट में, बिकॉज इट्स वो 10 साल का प्रोडक्ट रहेगा, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को
कंटिन्यू रखना है या एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है जब भी इंटरेस्ट रेट्स गो अप एंड गो अगेंस्ट यू. दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त मिस्टर बॉर्न साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉर्न विद मिस्टर बॉर्न फॉर एडलवाइज भारत बॉर्न. थैंक यू. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.